सो नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने एडमॉप के अकाउंट को डीएक्टिवेट होने से बचा सकते हैं। वो चाहे एडमॉप का अकाउंट हो या एडसेंस का, बात एक ही है। तो सिंपली एडमॉप क्या है? एडमॉप एक एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट है जिसकी मदद से आप अपने ऐप में एडवर्टाइजर डाल सकते हैं। तो इसको मेंटेन रखने के लिए सबसे जरूरी बात होती है कि इंप्रेशन हाई होना चाहिए, सीपीएम कंट्रोल में होना चाहिए और सीटीआर भी कंट्रोल में होना चाहिए। तो सीपीएम और सीटीआर तभी कंट्रोल में होंगे जब आपका इंप्रेशन हाई रहेगा और क्लिक रेट कम रहेगा। तो जैसे कि अगर आपका सीपीएम, जैसा कि मैं अपने स्मार्टफोन में मेरा एडसेंस अकाउंट ओपन करता हूँ और अकाउंट ओपन होने के बाद देख सकते हैं आज की अर्निंग हुई है $2.68। सिंपली आपको पेज व्यू दिखाते हैं, पेज व्यू सिंपली $2.97 है। इतने सारे मतलब लगभग 3000 पेज व्यू हो चुके हैं। तो इंप्रेशन भी आप देख सकते हैं 2996 इंप्रेशन आ चुके हैं। तो सिंपली मैंने क्लिक कितना किया, सिंपली इतने इंप्रेशन के बावजूद मैंने 6 क्लिक किए आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे $2.68 आ चुके हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्लिक 6 हुए और पेज सीटीआर 0.2 है, काफ़ी मेंटेन में है। इंप्रेशन भी 2.02% है और आप सीपीएम देख सकते हैं कि $0.45 है। तो सीपीएम यहाँ पे काफ़ी हाई हो चुका है सिर्फ 6 क्लिक में, और पेज आरपीएम भी काफ़ी अच्छा है, इंप्रेशन आरपीएम भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ और इस ऐप का नाम है ऑटो इंप्रेशन। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट में जो लिंक में दिया गया है वेबसाइट, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 एड्स चालू हो चुके हैं। यहाँ पे 11 एड्स जो चालू है वो 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड में ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ध्यान से, हर 5 सेकेंड में ऑटोमेटिक ऐड अपने आप चेंज होते रहते हैं। तो जैसा कि एक ऐड 5 सेकेंड तक रहता है तो दूसरे बार भी 5 सेकेंड तक रहता है, तो जिससे कि आपका पेज व्यू और इंप्रेशन काफ़ी हाई होता है और आपको किसी को क्लिक करवाने में प्रॉब्लम नहीं आती है, जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन और सीटीआर दोनों कंट्रोल में रहता है। तो इस ऐप के द्वारा आप अपनी एडसेंस अकाउंट की सीटीआर और इंप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें, क्योंकि ये ऐप आपके एडसेंस अकाउंट को बंद करने से बचा सकती है। तो सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने सीटीआर और सीपीएम को मेंटेन करके एडसेंस अकाउंट को बंद होने से बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक वाले बटन पर जरूर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।